से इंटरव्यूज लिए गए हैं, मतलब मौलवी, वो वाले मौलवी नहीं, मतलब जो भी मदरसे के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बाहर पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर इतनी ज्यादा तपश है और इतनी ज्यादा गर्मी है, सूरज इतना आग का गोला है कि कोई भी चीज उसके करीब नहीं जा सकती। इस पर आपकी क्या राय है कि भाई उनका मानना तो ये है कि ऐसे ऐसा कभी करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये सब चीजें झूठी और फेक है। देखिए मौलवियों के हिसाब से, पाकिस्तानी मौलवी हो या हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला हो, उनके हिसाब से तो लड़कियां शिक्षित भी नहीं हो सकती हैं, लड़कियां एडुकेटेड भी नहीं हो सकती हैं, लड़कियां बहुत वोकल भी नहीं हो सकती हैं, लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में जा करके प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती हैं, लड़कियां वैज्ञानिक हो सकती हैं क्या? तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चार पैसे वाले, ये मदरसा छाप लोग जो कभी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को समझे नहीं, बूझे नहीं, वैज्ञान को समझे नहीं, बूझे नहीं, तो ऐसे लोगों की टिप्पणियां हमेशा ऐसी बेहुदा और बदतमीज वाली ही आएगी। एक वैज्ञानिक जो है, जो इतने बड़े रिसर्च सेंटर से इतना बड़ा काम चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन के बाद आपका आदित्य L1 के ऊपर काम चल रहा है, अब इनको कैसे समझ में आएगा? ये तो जन्नत में 72 वर्जिन हो ढूंढने वाले लोग हैं। ये अगर पॉसिबल नहीं है तो देखिए, ये मदरसा छाप या दाढ़ी टोपी लुंगी वाले, ये लुंगी के अंदर चड्डी भी नहीं पहनते हैं, इनको इतनी भी शऊर नहीं है कि लुंगी के अंदर चड्डी पहन लेना चाहिए। हमारे इंडिया में ना एक वेस्ट बंगाल स्टेट है, देखिए ना मुझे याद आ गया तो मैं बिना बोले रहूंगी नहीं, एक वेस्ट बंगाल स्टेट है, यहाँ पर एक धर्मगुरु रहते हैं मुसलमान, जबकि कुरान धर्मगुरु नहीं बोलता है, कुरान के हिसाब से कोई धर्मगुरु नहीं होता है। तो जब वो जो धर्मगुरु है, एक पतला सा वाइट सा लुंगी पहनता है और एक छोटा सा, एकदम छोटा सा कुर्ता पहना रहता है और वो चड्डी नहीं पहनता है। तो एक आध बार मुझे भी लोगों ने बोला कि भाई उनके यहाँ चलिए, धर्म गुरु हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मेरी नजरें झुकी के झुकी रह गई कि भाई मैं इस इंसान को धूप में नजरें नहीं मिला सकती क्योंकि इतना पतला वाइट लुंगी पहना हुआ है, ये धर्म गुरु मुसलमान का दाढ़ी टोपी रखा है। भैया तू टोपी जो सर पे रखा है ना, वो तू अपने औजार पे रख लेता तो कम से कम महिलाएं देख तो पाती, तुझसे आंखों में आंखें मिलाकर बात तो कर पाती। तो इतने बेहुदा होते हैं ये मुसलमान और इस्लाम के धर्म गुरु, जो ये भी नहीं सोचते हैं कि हम धर्म गुरु बने हैं तो शायद महिलाएं भी हमारे पास आ सकती हैं और महिलाओं को भी यहाँ पर बुलाया जा सकता है, तो एटलीस्ट हम ढंग का कपड़ा पहने। तो ऐसे ऐसे इस्लाम के मौलवी मुल्ला और ये मदरसा छाप लोगों के बारे में क्या बात कर रही हैं आप, जो जन्नत में 72 वर्जिन हूर ढूंढता है, जो कहता है कि जहन्नुम में हम लोगों को चिकन पकौड़ा बनाया जाएगा, हमारे मतलब पता नहीं पीछे के कौन से सुराख से एक एक गर्म सीख और तेल डाली जाएगी और नाक के सुराख से निकाली जाएगी। तो ये सब इल्यूजन, ये सब बातें ये लोग कहाँ से लेकर के आए हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है। देखिए विज्ञान जो होता है ना, साइंस जो होता है, वो ऋग्वेद से आया है। ऋग्वेद में साफ अर्थ, मून के डिस्टेंस, मून और सन के डिस्टेंस, वेनस और सन के डिस्टेंस, ये सारी चीजें ऋग्वेद में लिखी हुई है। मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से उसको पढ़ा है, अगर आप कहेंगे अनम तो मैं आपको भी भेजूंगी, आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज बढ़ेगा। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रिसर्च किया है, सूरज के हीट को इन्होंने डायमीटर से लिया है, उसके उसके डिस्टेंस को लिया है। अभी आप देखो ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वहीं से मैंने कुछ पेपर्स विकिपीडिया से निकाले हैं, उसमें लिखा हुआ इट विल बी इंसर्टेड एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 लैग्रेंज पॉइंट बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वेयर इट विल study the solar atmosphere, solar magnetic storm and their impact on the environment around us. तो ये सारी चीजें क्या है, convincing है, हम convince हो रहे हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमने academic qualification ली है, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हम बहुत सारे इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमें पता है कि वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट जो होते हैं, उनका क्या काम होता है। जैसे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, उसके बाद फिर ये इसरो के साइंटिस्ट होते हैं, तो हर हर एक पढ़ाई अलग अलग होती है। जैसे हमारे हमारे वकीलों में कोई क्रिमिनल बेस पर स्पेशलिस्ट होता है, कोई सिविल पे होता है, कोई कॉरपोरेट पे होता है, तो हर एक पढ़ाई में एक अलग एफर्ट होता है। ये मतलब
आप किस में स्पेशलिस्ट है? मैं लिटिगेशंस में, लिटिगेशंस में मैं बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट हूँ, और साथ ही साथ मैंने कुरान को बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, कुरान को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर मैं कुरान में जो लिखी हुई बातें हैं अगर मैं उसको बोलना स्टार्ट कर दूंगी तो आपके पाकिस्तान के लोग बहुत बहुत गुस्सा में आ जाएंगे, लेकिन वो बातें कुरान में लिखी हुई मैं वर्सेस के हिसाब से बोल सकती हूँ। और अनम, आपने मुझे जितनी बार भी आपने ऐसे मुद्दे रखे हैं जिस पे मुझे कुरान का हवाला देना पड़ा है अनम, तो मैंने हमेशा सूरा, चैप्टर नंबर, वर्सेस मैंने हमेशा आपको बताया है। और यही वजह है कि आपके पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला हो या मेरे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला हो, मुझे वो मतलब अटैक नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ मुंह से गालियां दे सकते हैं। आपके पाकिस्तान में मेरे लिए रैली निकल सकती है, मुझे अहमदिया और वहां भी बोला जा सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक निर्णय मेरे ऊपर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मैं कुरान के हिसाब से बोलती हूँ। जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द अपने प्राइवेट पार्ट्स जो है वो अपनी बीवी को या अपनी लौंडिया को दिखा सकता है, तो भैया ये लौंडिया क्या वर्ड होता है? हम लौंडिया है? हमको हमको लौंडिया बोला जाएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये मौलवी मुल्ला जो है जिनको ढंग से बात करना नहीं आता, चार लाइन अंग्रेजी नहीं आती है, अरबी पढ़ना नहीं आता है, ये वो कुरान के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें पढ़ी लिखी औरतों को लौंडिया बोला जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीवी के साथ साथ कॉन्क्यूबाइन या केप्ट या रखेल भी रखा जा सकता है। तो ऐसी चीजें अगर हम ऊपर बोल देते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, पर है तो लिखा हुआ कुरान में ही ना, है तो कुरान का ही ना, तो हम इसको क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और वैसे भी ये बात सच है कि यहाँ पे मैं मतलब कुरान का हवाला नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपको बताया कि पाकिस्तान में मैं बैठी हुई हूँ, और दूसरी बात मैं अगर यहाँ पर एक मतलब ये बात कह सकती हूँ कि अगर हम वही कुरान और वही हदीस की चीज को हम कहेंगे कि पढ़ो, हम तलीम को फैलाएंगे तो हम अच्छे, अगर हम कोई ऐसी चीज बता देंगे तो हम बुरे। मतलब एक ही चीज को अगर हम दो फेसेस करेंगे तो हम अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, हमें क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है। खैर आप बात करें, उससे पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग करना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी क्लेरिक्स के पास जाइएगा ना जो अपने आप को धर्मगुरु बोलता है या बहुत काबिल तरीन बोलता है, आप उसके पास जाइएगा, वो कभी भी आपको स्पेसिफिक बात नहीं बताएगा। जैसे एक मौलवी का मैंने मुझे कोई किसी ने एक बाइट भेजा था कि वो जो इमाम है वो लोगों से पूछ रहा है कि कौन से प्रॉफिट जो है वो मछली के पेट में रहे थे और सालों बरसों पेट में रहे थे, उस डिटेल में मैं नहीं चाहूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और कौन से प्रॉफिट जो है वो कैद में रहे थे, तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में बात हुई, फिर कौन से प्रॉफिट जो हैं जिनके ऊपर पानी का अजाब आया था, तो हजरत नूह अलैहि सलाम के बारे में बात हुई। तो भैया जब मछली के पेट में रह सकता है कोई बरसों, कैद में बरसों रह सकता है, पानी का अजाब आ सकता है, तो जब तुम इस चीज को मान सकते हो, जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिल सकती है 135 फुट की, तो तुम इस विज्ञान को क्यों नहीं मानोगे? जब ये सारी इल्यूजन को तुम मान सकते हो, कौन रह सकता है मछली के पेट में, किसके ऊपर पानी का अजाब आ सकता है? तो ये चीजें तुम मान रहे हो, तो तुम जो पढ़ी लिखी चीजें हैं, जो बिल्कुल क्लियर है, जिसका पूरा आंकड़ा रखा हुआ है, जिसका पूरा साइंस का तरीका रखा हुआ है, तुम साथ में ही चले जाते ना। मैं तो अगर होती ना उस रॉकेट में, अगर मैं होती ना तो मैं तो एक लुंगी वाला को धक्का दे देती सूरज के आग में, एक पाप कम हो जाता। बिल्कुल सही मैम, मैंने कुछ बनाया है, अगर पसंद आए तो, क्योंकि कुछ अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। ये देखिए मैंने लिखा है इसरो जिंदाबाद, और इसरो की छोटी सी पिक्चर बनाई है, और नीचे देखिए मैंने क्या लिखा है, आप खुद पढ़े, नजर आ रहे नहीं? लव फ्रॉम पीएम मोदी। ओ ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस वेरी नाइस अनम, वेरी नाइस। प्रॉपर बनाया है, क्योंकि मैं आज बहुत 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 दिल से पीएम मोदी को एक तो सल्यूट भी देती हूँ, सलाम भी पेश करती हूँ, और मोहब्बत का इजहार करती हूँ कि आपने इंडिया को इस तरह से बनाया है, जिस तरह से शायद एशियन कंट्री में किसी ने कभी किसी कंट्री के लिए ऐसा सोचा नहीं होगा। अगर हम बात करें हम जिससे अपना दोस्त मानते हैं चाइना, तो शी जिनपिंग ने काफी अर्सा गुजार लिया है, लेकिन चाइना की जो भर्ती उभरती तो ताकते हैं, आज इंडिया उनसे भी आगे जा रहा है। आज चाइना जो है वो रोता हमें नजर आ रहा है, और दिन ब दिन उसके आगे भी इंडिया जो है बहुत पावरफुल होता जा रहा है। तो मैंने मतलब एक चीज ऑब्जर्व किया है कि एशियन जो सुपर पावर है वो इंडिया कामयाब की तरफ
चला गया, कामयाब हो गया इसमें कि वो एशियन सुपर पावर आज बन चुका है। जितने भी मिशन है वो इतनी तेजी से जा रहे हैं कि आज हम सब पाकिस्तानी में मिलके अगर मेहनत कर ले ना, तो मुझे लगता है कि शायद फिर भी आने वाले 10 20 50 सालों में हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए अनम, ऐसा है ना कि लॉर्ड शिवा से मैंने सीखा है कि डोंट फेयर विद गॉड, फेयर विद योर कर्मा। एंड आई एम कर्मा बिलीवर, आई एम लाइक वेरी डीप कर्मा बिलीवर। तो हम हिंदुस्तानी जो लॉर्ड शिवा के फॉलोअर होते हैं, लॉर्ड राम भगवान के फॉलोअर होते हैं, हम अपनी कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं। हम अगर हम कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कौन देश कितना बुरा है, उसके क्रिटिसिज्म में नहीं जा करके, अगर वो वक्त, वो दिमाग, वो सब कुछ एफर्ट अगर हम अपने सक्सेस पर लगाएंगे, तो आज हमने चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल किया। अब इसके बाद फिर हम आदित्य L1 करेंगे, उसके बाद फिर वेनस वाला जो आ रहा है उसको हम करेंगे। तो इतने सारे अचीवमेंट्स हम अचीव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने लक्ष्य पर और अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। मैम एक और सवाल मुझे जवाब आ गया। एक मदरसे के स्टूडेंट ने बोला, जब उससे सवाल किया गया कि जब सूरज पर भी चांद पर इंडिया का तिरंगा लगा, अब सूरज पर भी इंडिया का तिरंगा लगेगा, इस पर आपकी क्या राय है? उसने आगे बड़े जोर से हंस के कहा, चांद तो ठंडा था, सूरज तो गर्म है, इंडिया का झंडा जल जाएगा, इसी तरह जो इंडिया है वो पूरा जल के हम राख कर देंगे, हम इंडिया को बताएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए मदरसे के जो बच्चे आपको ये जवाब देते हैं, या हमारे यहाँ के मदरसे के बच्चे जो बता नहीं पाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, या हमारे मदरसे के बच्चों से अगर आप पूछिएगा कोई जनरल नॉलेज के बारे में, या किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में, या किसी संविधान के बारे में, या छोटी बड़ी कोई भी नॉलेज आप पूछिएगा, यहाँ तक कि कौन सा खाना खाने से विटामिन ज्यादा पड़ते हैं और हम हेल्दी रहते हैं, वो भी हमारे मदरसे के बच्चे नहीं बता पाते हैं। हमारे मदरसे के बच्चों से जब पूछा जाता है कि आप न्यूज देखते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, मौलाना साहब ने मना किया है, अगर घर में शांति रखनी है तो टीवी मत रखना, अगर जिंदगी में शांति रखनी है तो टीवी मत रखना। तो देखिए ये मदरसे के बच्चे जो भात, बासी पुराना भात खाते हैं, सड़ा हुआ भात खाते हैं, और भुजिया खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, दो कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अनल सेक्स का शिकार बनते हैं मदरसे के अंदर, मदरसे के अंदर उनको बहुत डिप्राइव किया जाता है, उनको बहुत छोटे चीजों में उनको बांध करके रखा जाता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से भेड़ बकरियों को बांध करके रस्सी में रखा जाता है, उसी तरीके से मदरसे के बच्चों को, के दिमाग को, उनके फ्यूचर को, उनके करियर को, उनके मुस्तकबिल को ये इमाम और मौलाना बांध करके भेड़ बकरियों की तरह रखा है। और वो ये सारे इमाम और मौलाना जानते हैं कि अगर हम इनको नॉलेज दिलवा देंगे, या हम इनको बोलेंगे कि ठीक है एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले लो, तो फिर इनकी जो रोटियां पक रही हैं और इनकी जो दाल गल रही है इमाम मौलानाओं की, इन बच्चों की वजह से, वो इनका खत्म हो जाएगा। तो मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूंगी। कल एक न्यूज हमारे ऑफिशियल एक चैनल पे चल रही थी, रात में मैं देख रही थी, एक कुरान पाक पढ़ाने वाले हाफिज ने गूंगी बहरी बच्ची के साथ ज्यादती की, और वो बच्ची कितनी थी, तकरीबन होगी 9 से 10 साल की बच्ची थी, और उस बच्ची के साथ ज्यादती की, और वो बच्ची कुरान पाक पढ़ने नहीं जाती थी उसके घर। मुकम्मल उसका इंटरव्यू लिया गया उस मौलवी का, उस कुरान पाक पढ़ाने वाले हाफिज का, और उसके जो बीवी बच्चे थे वो भी इधर नहीं थे, वो अकेला घर में यहाँ पर मतलब कुरान पाक पढ़ाता था, और जो भी मतलब उसका रोजगार था वो करता था, और अपने बच्चों को पता नहीं कौन सी सिटी वहां पर उसने छोड़ा हुआ था। तो ये, और उस मौलवी से बात की गई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं किया, ये लड़की खुद मेरे पास आई थी और आके मेरे साथ छेड़छाड़ करी थी, इसको मैंने 2 दफा पीछे फेंका लेकिन नहीं हुई, तो मैंने इसके साथ फिर वो सब कुछ कर लिया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, गूंगी बहरी बच्ची और वो आके, इतनी छोटी बच्ची और वो इसके साथ सब कुछ कर रही है, और इसने 2 दफा पीछे के नहीं हुई तो उसने सब कुछ कर दिया। देखिए ये तो कुरान कहता है ना कि 9 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में शादी हो सकती है, निकाह जायज है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो शरिया लॉ है आपके जिन्ना का बनाया हुआ, उसने उसमें लिख दिया गया कि लड़की का जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाए तो निकाह कर दिया जाए। फिर बहुत सारे इमाम मौलवी मुल्ला हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, कहते हैं कि अगर पीरियड्स के बाद लड़की का निकाह ना हो, सेक्सुअल रिलेशन ना स्टार्ट हो, तो लड़की आवारा हो जाती है,
तो ऐसे ऐसे लोग जो लड़कों बच्चों मतलब एक मौलवी, मैंने मेरे पास कितने प्रूफ है, मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जो लड़के के साथ भी अनल सेक्स कर लेता है। तो ये बच्ची और छोटी उम्र, इनको इन सब चीजों का अंदाजा नहीं है। देखिए कुरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है और शरिया ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है हमारे इस्लाम के मर्दों को ठरकबाजी पूरी करने की, हर एक जगह पर। तो वो जो उनका धर्म उनको सिखाया है, जो इस्लाम उनको सिखाया है, वो वही कर रहे हैं। और देखिए ऐसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। आई थिंक मैं क्लास 7 या 8 में थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम तस्नीम था। वो बहुत बहुत परेशान रहा करती थी, तो मैं बोलती थी कि तुम मतलब, मैं थोड़ी केयर फ्री टाइप की आज भी हूँ, और ये मेरा एक चाइल्डिश नेचर है कि मैं थोड़ी सी केयर फ्री और छटपट छटपट टाइप की हमेशा रही हूँ। हालांकि इन द एज ऑफ 32 और इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और इतने बड़े प्रोफाइल के बावजूद भी जो एक मदहस वाला, जो मच्योर वाला जो होता है नेचर, वो मेरा नहीं है। तो मैं उसको बड़ा चिढ़ाती थी कि हट, क्लास 8 और 9 में तू इतनी मच्योर हो चुकी है, ऐसी है वैसी है। तो उसने फिर मुझे रोते रोते बताया था कि वो जहां पर कलामे पाक पढ़ने के लिए जाती है, तो वो इमाम साहब क्या करते हैं कि वो लुंगी खोल करके बैठे रहते हैं, मतलब ऐसे उठा करके बैठे रहते हैं अपनी लुंगी को। तो मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी कि, और फिर मैंने जा करके अपने नाना अब्बू से, मुझे याद है कि मैंने अपने नाना अब्बू से इस बारे में बात की, और मेरे नाना अब्बू काफी रिनाउंड एडवोकेट थे उस जमाने के। तो मैंने उनसे बात की, तो मेरे नाना अब्बू कहे कि चलो तुम अभी इसी वक्त चलो तुम। मैंने कहा कि हम लोगों को इंटरफेयर करना सही होगा? बोले अरे एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम सोचो कि हमारे समाज की सारी लड़कियां जो हैं वो खतरे में। तो मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी फैमिली में हुई है जो बहुत वोकल रहे हैं। हम लोग गए हैं जा करके उस मुलाना को 3-4 थप्पड़ मेरे नाना अब्बू मारे, सबके भीड़ में मस्जिद के सामने खड़े हो करके 3-4 थप्पड़ रसीद दिया उनको। और उसके बाद फिर मैंने उस मुलाना के मुंह पे थूका, और थूक करके कह रही हूँ मैं, अब तुमको मजा आया कि तुम क्या कर रहे थे? तो एवरीवन इज लाइक कि तुमको कूदने की क्या जरूरत थी, तुमको कूदने की क्या जरूरत थी। पर मुझे ना बचपन से ये सारे इंसिडेंट्स जो है ना, वो मुझे अजीब लगते थे। तो अगर बाद में भी, थोड़ी मैं बड़ी हुई उसके बाद भी, अगर कोई लड़की को मैं सुनती थी कि वो मौलवी साहब उसको पढ़ाने आते हैं या मौलवी साहब के पास वो जाती है, तो मैं बोलती थी तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है क्या? कुरान भी नहीं पढ़ा सकती है क्या? तो क्यों मैं, अरे भाई मौलाना से क्यों पढ़ना, तुम अपनी मम्मी से पढ़ लो ना। क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा अपनी मम्मी से, मैंने उर्दू सीखा अपनी मम्मी से, मैंने फारसी सीखी अपनी मम्मी से, अरबिक लैंग्वेज में कमांड लेना मैंने अपनी माँ से सीखा। तो मेरी मम्मी काफी पढ़ी लिखी है, टीचर रह चुकी है। तो मेरी मम्मी ने हमारे खानदान में कभी भी कोई भी ना जेंट्स कोई मुसलमान टीचर आया, और ना ही कोई मौलवी मुल्ला आया। इवन मेरी फैमिली में अगर किसी का डेथ होता है, तो बहुत सारी फैमिलीज में तो मौलवी मुल्ला को बुला करके पढ़ाया जाता है ना, हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ हम ही लोग बैठ करके, पूरे खानदान वाले बैठ करके कुरान की तिलावत कर देते हैं और बख्श देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे घर पे हमने देखी है। तो ये जो आप इंसिडेंट मुझे बता रही है ना, ये हर रोज हर एक लम्हा हमारे हिंदुस्तान में भी होता रहता है। और इन्हीं को जब हम पकड़ते हैं ना, और इन्हीं को जब हम कानूनी तरीके से जब हम इनको जेल के अंदर भरते हैं, तो आपके पाकिस्तान में अफवाह जाती है कि मुसलमान यहाँ पर डिप्राइव हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मैम, हम टॉपिक से थोड़ा इधर उधर हो गए थे, अभी दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं। अदिति L1, आप क्या समझती हैं कि चंद्रयान 1-2 थोड़ा सा नहीं हो पाए थे, और उससे सीखने के बाद चंद्रयान 3 जो है वो कामयाब हुआ था, क्या अदिति L1 कामयाब होगा? मेरे मेरे से पूछे तो इंशाल्लाह, आप बताए। नहीं, हर हर महादेव, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर जरूर कामयाब होगा। और इसरो की टीम जो है बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे वैज्ञानिक बहुत इंटेलिजेंट है, और उन्होंने काफी रिसर्च किया है। मैंने तो कई चीजें आपको पढ़ के भी बताई हैं कि भाई उन्होंने मतलब लॉन्च से पहले 0.1% को भी उन्होंने इतनी बारीकी से देखा है, और इतने टेक्निकल चीजों से उन्होंने देखा है, यहाँ तक कि हीट का उन्होंने पूरा अंदाजा लगाया है, कैसी चीजें वहां पर भेजनी चाहिए, उन्होंने सॉफ्टवेयर का अंदाजा लगाया।